हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हरात्मक श्रेणी दैट मींस एचपी के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा हुआ था। और हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि एचपी अगर कोई भी दी हुई है, दैट मींस कोई भी हरात्मक श्रेणी दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उसके सापेक्ष हमारी कोई जो है वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में कैसे बदल जाती थी। अगर हमारी कोई ए बी सी इस तरीके से कोई हरात्मक श्रेणी दी हुई है, तो इसके सापेक्ष जो समांतर श्रेणी होगी 1/A, 1/B एंड 1/C इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए चली जाएगी। ओके, और इसी के सापेक्ष ही हम सब कुछ काम करेंगे। हम एचपी को कंक्लूड करेंगे, फाइनल में लास्ट में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसी 1/ करके उसको एचपी में हम लोग चेंज कर देंगे। तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे एचपी के कॉन्सेप्ट को। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चनों को, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डेवलप हो सके। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हरात्मक श्रेणी दी हुई है और उस हरात्मक श्रेणी का ये इस तरीके से एचपी दी हुई है। ये एचपी है, एचपी का क्या दिया हुआ है, पीवा पद ए, इसका कीवा पद बी एंड इसका आरवा पद सी है। ठीक है, ये एचपी है, उस एचपी का पीवा कीवा आरवा पद इस तरीके से दिया हुआ, ए बी सी दिया है। तो हमें वैल्यू निकालनी है क्यू माइनस आर अपॉन ए एंड प्लस आर माइनस पी अपॉन बी प्लस पी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये पीवा कीवा पद दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, ये एचपी के सापेक्ष दिया हुआ है और हम लोग क्या करेंगे एपी के सापेक्ष निकालेंगे। अगर एपी के सापेक्ष निकालेंगे तो हमारा पीवा पद क्या हो जाएगा 1/A हो जाएगा, कीवा पद क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा। ठीक है, एंड आरवा पद क्या हो जाएगा 1/C हो जाएगा। बात समझ में, इस तरीके से वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहां से अगर पीवा पद दिया है तो दैट मीन्स एपी इज इक्वल टू कितना होगा, अब वहां पे होता क्या है कोई, तो ये होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए ऑलरेडी आ चुका है यानी कि ए बी सी, तो वहां पे हम लोग कैपिटल ए मान लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस दैट मीन्स पी माइनस और डी। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/A है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग ए क्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/B। ओके, एंड ए आर निकालते हैं तो ए प्लस कितना हो जाएगा, आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/C। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से कैलकुलेट करने के बाद अब यहां से करेंगे क्या, इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। इतना करने के बाद, ये सब इतना कैलकुलेशन करने के बाद, आफ्टर दिस कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला टर्म लिखा हुआ है, यानी इसको हम लोग रीअरेंज करके रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/A और कितना क्यू माइनस आर एंड 1/B कितना आर माइनस पी एंड लास्ट में 1/C पी माइनस क्यू। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू 1/A, 1/B एंड 1/C, इन सब की वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे। तो यहाँ से पुटअप करने के बाद हमको मिलेगा क्या, सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर हम अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन और ये डी। ओके, और ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर कितना लिखा है क्यू माइनस आर लिखा है, ये लिख देंगे एंड प्लस इसको लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी
और ये कितना है आर माइनस पी, ओके। एंड लास्ट में ए प्लस आर माइनस वन डी, और ये कितना है पी माइनस क्यू, ओके। अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, जोड़ देना है, घटा देना है। तो इसको जोड़ने और घटाने के बाद सारी वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ होंगी वो किसके इक्वल आ जाएंगी, जीरो के, ओके। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और इसके अलावा इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में देखें, शॉर्टकट में देखें तो इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं अभी, ओके, ये ऐसे। तो यहाँ से ये बात ध्यान देने वाली है कि वहाँ पे जो दिया हुआ था, सबसे पहले तो हम एपी मान लेते हैं कि कोई एपी दिया हुआ है, ये एक एपी हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, एक तीन पाँच, ये किसकी जगह पे है, ये वन अपान ए की जगह पे है, ठीक है। तो ये एपी हो गया। अब एपी है तो इसका एचपी कितना होगा, अगर कोई भी हम एचपी बनाएंगे तो वन अपान थ्री, वन अपान फाइव, ठीक। अब पहला पद क्या कह रहा है, पहला पद ए है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी ये क्या है, ये एच पी पे आ गए हैं, ठीक। हम कोई भी ए पी बना लेंगे और उसका एच पी हो ही जाएगा। अब ये क्या है, ये पहला पद है, यानी कि ये पी की जगह पे होगा, ये सॉरी ये क्या है, ये ए की जगह पे होगा, ये बी की जगह पे होगा, ये सी की जगह पे होगा, और पहला पद यानी पी की जगह पे एक होगा, क्यू की जगह पे दो होगा, एंड आर की जगह पे दो होगा। अब यहाँ पे रख दो क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का मतलब कितना हुआ, दो माइनस तीन, ठीक। तो दो माइनस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक, और अपान में ए, ए की जगह पे कितना लिखा है, एक लिखा है, एंड प्लस आर माइनस पी, तो तीन में इसको घटाएंगे एक को तो कितना बचेगा, दो बचेगा। नीचे बी, बी की जगह पे कितना लिखा है, एक बटे तीन, ठीक है, एंड प्लस पी माइनस क्यू, तो वन माइनस, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन, और अपान में सी, सी की वैल्यू कितनी, एक बटे पाँच। इसको सॉल्व कर लो तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन हो जाएगा, ये ऊपर दो चला तीन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा, माइनस का पाँच हो जाएगा, तो ये माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ओके। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात समझ में, इसको फिर से आप लोग रिकॉल करके देख लेना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक एचपी दी हुई है, ये एचपी है, उस एचपी का पीवा पद क्या है, ए है, ठीक है। पीवा पद क्या है, पीवा पद ए है, क्यूवा पद क्या है, बी है, एंड आरवा पद क्या है, सी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग, इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उतना लंबा प्रोसेस नहीं करने का। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ प्रूफ नहीं सॉरी फाइंड करनी है वैल्यू, बी सी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर, एंड प्लस सी ए आर माइनस पी, एंड प्लस ए बी पी माइनस पी, ओके। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे पीवा पद की जगह पे इसकी जगह पे वन हो जाएगा, इसकी जगह पे दो हो जाएगा, इसकी जगह पे तीन हो जाएगा। अब ये ए बी सी क्या है, ये एच पी में है, ठीक है, ये क्या है, एच पी में है, और हम कोई ए पी ले लेते हैं, वन टू थ्री, ठीक। अगर वन टू थ्री ए पी में हो जाएगा तो एच पी में कितना होगा, एच पी में हो जाएगा एक, एक बटे दो, एंड एक बटे तीन, ठीक। वैल्यूज बस रखना है, बी सी, बी सी मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक बटे छः। क्यू माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू माइनस आर का मतलब कितना हुआ, ये यानी कि माइनस का वन, ठीक है। प्लस सी ए, इनको सी ए का मतलब कितना है, सी ए का मतलब ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, और आर माइनस पी, ठीक है। तो एक मिनट, सी ए का मतलब यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी ए ये सबके सब, ये ए बी सी है ना, ये क्या है, इधर से ये ए है, भटकने ना पाए, और ये बी है, ये सी है। अब सी ए में निकालना है तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, ठीक है। आर माइनस पी, ये पी क्यू आर है, आर माइनस पी का मतलब कितना हुआ, यानी तीन में एक घटा दो। ए बी, ए बी मतलब कितना है, यहाँ से एक और दो, तो एक बटे दो हो जाएगा, एंड पी माइनस क्यू, यहाँ से घटा दो पी माइनस क्यू, माइनस का टू हो जाएगा, ठीक।
पी माइनस क्यू, तो इन दोनों में होगा, माइनस का एक आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6 एंड प्लस का 2/3 एंड माइनस का 1/2। ठीक, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस का 4 एंड माइनस का 3, ओके, और अपान में कितना 6, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये माइनस ये 0, ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ध्यान से सुनना, ए बी सी ए पी में है ना, ओके। बी सी डी, बी सी डी ये किस में है, बी सी डी किस में है, ये जी पी में है, ओके। एंड सी डी ई ये एच पी में है, ओके। तो अब ये बताना है कि ए सी ई ये किस में होंगे, ठीक, ये ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे। तो सबसे फटाफट हम लोग करते क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ कि ए बी सी क्या है, ए पी में है। जब ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका समांतर माध्य, हम यहाँ पे जी मीन पे फोकस करेंगे, चाहे एच पी, चाहे ए एम हो, अर्थमेटिक हो, चाहे ज्योमेट्रिकल मीन हो, और चाहे हार्मोनिक मीन हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर ए बी सी दिए हुए हैं तो बी क्या है, बी क्या होगा, ए और सी का अर्थमेटिक मीन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला केस ए पी वाले में, ए पी वाले में क्या ले सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ इतना याद रखना कि बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ओके। अब जो दूसरे में क्या करते हैं, अगर जी पी वाले में देखते हैं ध्यान से, तो क्या कह रहा है, बी सी डी, तो ये जो होगा सी जो होगा बी और डी का मीन होगा। तो यहाँ नहीं कहने मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू रूट बी डी, ठीक, या सी इज इक्वल टू रूट बी डी है, या इसको अगर हम लोग लिखें तो बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, ओके। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद एक ये कह रहा है कि ये जो है सी डी ई क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, गुणत हरात्मक श्रेणी में है। तो क्या होगा, डी यहाँ पे जो होगा, कहने मतलब अगर सी जो है अगर मीन में होंगे तो सी और ई का जो मीन होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। सी यानी कि जो मीन होगा बीच वाला ही होता है, मीन जो होता है क्या होता है, बीच वाला ही होता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, चाहे मीन का मतलब भले ही उसकी वैल्यू इक्वल में कुछ भी हो, इस तरीके से ना हो, इस तरीके से ना हो, और कोई हो। यहाँ पे अगर एच पी में देखेंगे तो ये जो सी होगा तो कितना हो जाएगा, सी नहीं, सॉरी सी नहीं होगा, सी तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से देखना है हमें डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू सी अपान कितना, सी प्लस ई, ओके। ये हो जाएगा, यहाँ से एक ये हो गया, यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ से ये दोनों मिल गए। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई है, ये दो हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अभी इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें, ठीक, सबसे पहले 2 में क्या लिखा, दोनों आ जाएंगे, यहाँ से डी भी मिल जाएगा, यहाँ से बी भी मिल जाएगा। तो सी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, बी डी है। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी बाई टू, और डी में कितना है, टू सी अपान कितना हो जाएगा, C प्लस ई। अब यहाँ से C को अगर हम लोग, ये जो है C, यहाँ से इससे कट जाएगा C, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और C कटेगा कहीं से, दो से दो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका C से करेंगे तो कितना हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस C, ओके, C स्क्वायर प्लस इससे करेंगे कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका ये E है, E का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई हो जाएगा, एंड प्लस ए ई एंड प्लस ई सी, है ना, ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देना ये, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटेगा, सी ई सी या सी बात एक ही, ये इससे कट गया, है ना। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए ई, ए ई, इसको जरा ध्यान देना, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या है, ये सी है ना, तो सी क्या है, ए, तो ये क्या है, ये जी पी में, ओके। इस चीज़ को आप लोग फिर से एक बार देख लेना,
तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये जो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, हरात्मक श्रेणी में होंगे दोनों, जीपी में, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में होंगे, जो लिखा है वही ध्यान देने लायक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि एबीसी, एबीसी किस में है, जीपी में है ना, किस में है, जीपी में। तो और उसके बाद एक के कंडीशन दी हुई है, ए टू पावर एक्स इजल टू बी टू पावर वाई इजल टू सी टू पावर जेड, इतना दिया है। तो बताना है कि जो एक्स वाई जेड होंगे वो किस में होंगे, यानी वो एपी में होंगे, जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी अगर क्या है, ये जीपी में है, तो यहाँ से जो मीन होगा बी स्क्वायर इजल टू कितना होगा, ए सी होगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, इतना पता है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक के को हम लोग क्या करते हैं, इसको ये भी क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, बराबर में के कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए टू पावर एक्स इजल टू के एंड बी टू पावर वाई इजल टू के एंड सी टू पावर जेड इजल टू के, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी के टू पावर वन अपान कितना x, ओके। एंड यहाँ से अगर निकालते हैं तो b इजल टू कितना हो जाएगा, k टू पावर वन अपॉन y, ओके। एंड यहाँ से c की निकालते हैं तो k टू पावर वन अपॉन जेड, इतना आ जाता है। ये चीज़ वेल नोन है ना, पावर में जाएगी तो वन अपॉन, बराबर में के उधर जाएगी तो वन अपॉन में आ जाएगी। अब ये ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे। तो b की जगह पे कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, k टू पावर वन अपॉन वाई और इसकी होल स्क्वायर, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, k टू पावर वन अपॉन एक्स इन टू के टू पावर वन अपॉन जेड, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो जुड़ जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, k टू k इजल टू दो अपॉन वाई हो जाएगा, और इधर बराबर में कितना हो जाएगा, k की होल पावर वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन जेड, बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा, दो बटे वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन जेड, इतना हमें मिल जाएगा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाए कितना, टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ये क्या है, यानी कहने मतलब ये मीन होगा y, तो y क्या हो जाएगा, ये एच पी में हो जाएगा, जो सीरीज है ये किस में हो जाएगी, एच पी में, ठीक, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो देखते कम हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा जैसे अपलोड हुआ करें, और लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है, और जो लोग देखते हैं वे एक दूसरे को शेयर कर दिया करें तो अच्छा और हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखा है दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, इनका अर्थमेटिक मीन दिया है ए टू पावर एन प्लस वन एंड बी टू पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू पावर एन बी टू पावर एन, ठीक है, ये बी है। ये कह रहा है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो एन की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का एक बटा दो, एंड तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जीरो, एंड डी दिया हुआ है माइनस वन। तो सबसे पहले एन इजल टू वन सब्सिट्यूट कर दें, तो इनका ऑप्शन यानी कि अगर माध्य है तो कितना होना चाहिए, ए प्लस बी बटे दो होना चाहिए, तो एन इजल टू वन पुटअप कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, ये तो होगा नहीं, ये तो सरासर गलत है। अब एन इज इक्वल टू माइनस का एक बटे दो पुटअप कर दें, तो माइनस का एक बटे दो पुटअप कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए रूट में आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। जीरो पुटअप कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन प्लस बी हो जाएगा, और नीचे एक एक दो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सही, ओके। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस तरीके सबकी वैल्यू को हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अब वो एपी में था, अब ये जीपी में है। कह रहा है कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ठीक है, इनका जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन कितना दिया हुआ है, ए टू पावर एन प्लस वन एंड बी टू पावर एन प्लस वन।
अपान में ए टू पावर है फॉर्मेट वही, ओके। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालें, यानी कि अगर ये जी एम इनका निकालेंगे तो कितना आएगा, जी एम रूट ए बी आएगा, या ए की पावर 1/2 बी की पावर। इनके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ से कितना दिया हुआ, एक माइनस का 1/2, 0 माइनस 1। एक पुटअप करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर इस तरीके से आ रहा था, माइनस का हाफ पुटअप कर देते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का अगर हाफ पुटअप करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, माइनस यानी यहाँ से रूट ए और यहाँ से रूट बी है ना, और नीचे 1/√a। अगर यहाँ पुटअप करेंगे तो कितनी घात निगेटिव हो जाएगी, अपान में आ जाएगा रूट ए प्लस 1/√b। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा इसका, सो ये √ab, ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा जो मिल जाएगा इसी से, कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं ना, हर क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है ना, हर क्वेश्चन को ऑप्शन से सही किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है कि वो हर तरीके से उतने टाइम के अंदर खत्म हो जाए, ठीक, इस हिसाब से बनाया ही जाता है। एक ये होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ए और बी दो संख्या है, इन दोनों का एच एम इनका जो मीन होता है, मीन दिया है वही है मीन, ए टू पावर एन प्लस वन बी टू पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब चाहे जैसा फॉर्मेट दिया हुआ हो, आंसर वाले भी उसी हिसाब से बनाएंगे, तो यहाँ से फिर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो है सेम क्वेश्चन ही, वहाँ पे यहाँ पर भी ऑप्शन शायद वैसे ही दिए हैं, एक है, जीरो है, सी माइनस हाफ है, ठीक है, और जो डी है वो माइनस, ये इस तरीके दिए हैं, इसको आप लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते बस इसका एच एम पता होना चाहिए, कितना होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, इतना आना चाहिए n की वैल्यू पुटअप करने के बाद, ये सब n की है, ये सब n है, n रखना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना भी आएगा, व्हिच आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 और 1/16, ठीक है, इनके मध्य, इन दोनों के मध्य, दोनों के बीच बीच तीन हरात्मक माध्य हैं, कितने हैं, तीन एच एम हैं, तीन हरात्मक माध्य हैं, तो उनको ज्ञात करना है, जो भी है H1 है, H2 है, H3 है, ये ज्ञात करना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1/4 है और H1 है और H2 है और H3 है और 1/16 है, ये अगर HP में है होंगे तो 4 1/H1 1/H2 1/H3 और ये 16, ये किस में होंगे, AP में होंगे, ये हमेशा याद रखना, ये AP में होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग AP में है तो हम लोग AM निकाल लेंगे समांतर माध्य, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हार्मोनिकल मीन हो जाएगा, ठीक है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लें, डी हम लोग देखे हुए थे जब अर्थमेटिक मीन देख रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, हरात्मक माध्य है, तो हरात्मक माध्य सॉरी यहाँ पे ये जो क्या है AP में है तो अर्थमेटिक मीन होगा, यानी समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे बी कितना है, 16 है, ए कितना है, 4 है कितने, 3 है, तो 3 1 4 यानी कि 12 माइनस 16 माइनस 4 12 और 4 3 12, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। अब यहाँ से A1 निकाल लो, तो यानी पहला अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, ए कितना है, 4 है और डी कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इसी के साथ अगर ये आया है तो इसी के साथ सीधे सीधे H1 भी हो जाएगा, H1 कितना होगा, 1/7, ओके। A2 A+2D A कितना है, 4, 2D मतलब कितना, 2 3 6, कितना हुआ, 6 4 10, तो यहाँ से H2 कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक है, वेरी वेरी गुड। A3 लास्ट, A+3D कितना होगा, 4, अरे 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 4 13,
तो यहाँ से एच थ्री कितना आएगा, 1/13। ठीक, ये इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से, बस आज बहुत लंबा सा क्वेश्चन वीडियोज़ नहीं है, कल से भी शायद छोटा ही है थोड़ा सा, कल तो और थोड़ा सा बड़ा था 2-4 मिनट, तो बस आज इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उनको बहुत अच्छे से उन्हीं पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, किसी भी क्वेश्चन में हो तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स एक जरूर दीजिएगा, ठीक, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।